आज मैं आपको बताऊंगा उमर शरीफ के बारे में। उमर शरीफ को कौन नहीं जानता, कॉमेडी किंग, कॉमेडी का बादशाह था वो। उसके बारे में कादिर खान ने कहा, कादिर खान एक्टर, उसने कहा हमने ऐसा शेफ जिंदगी में कोई और नहीं देखा। ऐसे ऐसे अल्फाज मौके महल की मुनासिबत से उमर शरीफ की जुबान से हो अदा होते देखे के हैरान, ये बंदा अल्फाज लाता कहाँ से है। जॉनी लीवर कॉमेडियन एक्टर ने कहा मैं और मेरी बेटी बेटे हम सब मिलकर उमर शरीफ के शो देखा करते थे, बाप रे बाप ये कैसा अदाकार है। उमर शरीफ के बहुत से ड्रामे हमने देखे, उमर शरीफ जैसा फनकार दोबारा पैदा नहीं हो सकता, उमर शरीफ की सोच सबसे मुनफरद थी। मजीद जॉनी लीवर ने कहा 1990 में उमर शरीफ पहली बार भारत आए थे, उमर शरीफ को किसी से ना मिलाए, वो अलग ही फनकार थे। उमर शरीफ और भारतीय अदाकार जॉनी लीवर एक साथ काम करने वाले थे। शो का नाम उमर शरीफ जॉनी लीवर लाइव रखा जाना था। उमर शरीफ को नेशनल निगार ग्रेजुएट समेत सदारती अवार्ड से नवाजा गया। उमर शरीफ नंबर एक अदाकार थे। उमर शरीफ ने ड्रामों को एक नया दर्जा दिया। सच में ये बंदा कोई अनमोल था। जॉनी लीवर ने कहा अभी तक इस जैसी सलाहियतें हमने किसी और में नहीं देखी, इसको किसी से नहीं मिलाएं, वो अलग ही बंदा था, अलग ही फनकार था। इंटरव्यू में मजीद जॉनी लीवर ने कहा कि कपिल शर्मा में उमर शरीफ की काफी झलक नजर आती है। सिर्फ कपिल ने ही नहीं, उमर शरीफ ने पूरी दुनिया के लोगों के हवाले से सीखा उमर शरीफ होते हैं कि वो कैसा फनकार था, कैसा हंसने वाला हो गया। हम अपनी तरफ से उसको गिफ्ट करें, कुछ पढ़ के हदिया करें, आज उसको इस चीज की जरूरत है, ये असल में पैगाम देना था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।